देखिए दोस्तों, एक मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा क्रिस्पी, एकदम बढ़िया शक्कर पारा बना है। टेक्सचर देखिए आप इसका अंदर से। इसमें हमने कोई बेकिंग पाउडर, कोई सोडा, कुछ भी यूज नहीं किया है। और अंदर तक देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें लेयर्स बन गई हैं। कितने अच्छे ये फूले फूले से शक्कर पारे हमारे बने हैं। तो शक्कर पारे बनाने के लिए हमने ये 1/4 कप हमने लिया है दूध। ठीक, हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो ये देखिए आधा कप मैंने शुगर लिया है, ये पाउडर्ड शुगर मैंने ली है। तो चीनी को आप मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लीजिए तो आपका पाउडर्ड शुगर तैयार हो जाएगा। तो शुगर को एक बार दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया है। 1/4 कप ही हमने लिया है घी। तो मेल्टेड घी यूज़ कर रही हूँ, मैंने देसी घी यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ली है 1 कप मैदा। तो वैसे तो आप इनको प्लेन ही बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपका मन करे ऐड करिए, अदरवाइज ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। तो थोड़े थोड़े बैचेज में मैं इसमें मैदा डालूंगी और उसको घुमाती जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मिक्सचर था वो एक डो की फॉर्म में आ गया है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपके शक्कर पारे बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। क्योंकि ऑयली होने के 2 रीज़न होते हैं मेन। या तो आपका जो डो है बहुत पतला हो गया है, जैसे कि आप रोटी का आटा लगाते हैं उस आटे की तरह हो गया है, या फिर क्या होता है कभी कभी आप ज़्यादा उनको क्रिस्पी करने के चक्कर में, खस्ता करने के चक्कर में आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल देते हैं, तब भी आपके जो शक्कर पारे हैं वो थोड़े से ऑयली बनते हैं। तो आज मैं थोड़े 1 कप के ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ शक्कर पारे, तो पहले से रखे हुए हैं। अगर आप जो है आप थोड़े से ज़्यादा बनाने चाहते हैं तो आप इस मेजरमेंट को जस्ट डबल कर लीजिए। लाइक आप 2 कप मैदा ले लीजिए और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट लिए हैं उसको भी आप जस्ट डबल कर लीजिए। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, घेवर की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। राजस्थानी मलाई घेवर मैंने डाला हुआ है, तो आप अगर बनाना चाहते हो आप तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो मेरा डो है उसको मैंने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और साथ ही जो मैंने एक कढ़ाई लेकर उसमें मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख दिया है। तो अभी हम इनको बेल लेते हैं। इनको ना आपको बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। अभी इनको कर लेते हैं हम कट। तो शेप आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। आप इनको स्क्वायर में बनाइए या फिर डायमंड शेप में, जैसे हम काजू कतली वगैरह बनाते हैं उस शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। मैंने ये इतने थिकनेस में रखा है। एक पीस मैंने डालकर चेक कर लिया है। तो हमें मीडियम होट जो ऑयल चाहिए, तो उसमें मैं अपने शक्कर पारों को डाल दूंगी और इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है। स्लो मीडियम फ्लेम पे आपको इनको फ्राई करना है, क्योंकि थोड़ी सी थिकनेस भी है तो ये फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन आपके शक्कर पारे एकदम क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनकर आने वाले हैं। जो शक्कर पारे वो एकदम से तल गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। तो एक शेड आप इनको लाइटर ही निकालिए कढ़ाई से, क्योंकि अभी ये गर्म है और ये ठंडे होने के बाद बहुत अच्छे क्रिस्पी और खस्ता हो जाएंगे। और थोड़ा सा कलर भी अपना ही चेंज कर लेते हैं। तो अभी मैं इनको निकाल देती हूँ। एक बैच मेरा फ्राई हो चुका है और मैं दूसरा जो मेरा बैच है उसको मैं फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा क्रिस्पी, एकदम बढ़िया शक्कर पारा बना है। चलिए एक और तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए टेक्सचर देखिए आप इसका अंदर से। इसमें हमने कोई बेकिंग पाउडर, कोई सोडा, कुछ भी यूज नहीं किया है। और अंदर तक देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें लेयर्स बन गई हैं। कितने अच्छे ये फूले फूले से शक्कर पारे हमारे बने हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप ये शक्कर पारे बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा कि आपके शक्कर पारे कैसे बने।